नमस्कार, स्वागत है आपका डेली न्यूज झारखंड की फटाफट खबरों में। झारखंड, बकोया मुठभेड़ कांड की जांच हुई तेज, पलामू पहुंची सीबीआई की टीम। गढ़वा छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली एनएच 343 में होती दुर्घटनाएं, ब्लैक स्पॉट दुरुस्त करने को लेकर नहीं हुई कार्रवाई। झारखंड न्यूज, गढ़वा में केसीसी लोन का हाल बेहाल, किसानों ने खरीफ के समय में दिया आवेदन, रबी में भी नहीं मिला ऋण। झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन हुआ खत्म, नदी तालाब में शर्तों के साथ छठ पूजा करने को मिली छूट। अब उत्तर प्रदेश में गोतामा की ऑनलाइन टैकिंग, 60 लाख गायों में माइक्रोपिच लगाने की तैयारी। बदल गए स्पीकर, बदल गए झारखंड के विधायक, पहली बार आयोजित हुई छात्र सांसद। त्योहारी सीजन में डेंगू मलेरिया ने बढ़ाई टेंशन, बरेली में पिछले 24 घंटों में सामने आए 16 नए मरीज। अमित शाह इन उत्तराखंड, एनएच जाम करके शुक्रवार को नमाज पढ़ा जाता था, अमित शाह ने देहरादून में कही ये बात। वाराणसी न्यूज, घर की छत पर झंडा लगाकर पाकिस्तान जिंदाबाद का लगा रहा था नारा, पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। अयान खान न्यूज, ब्लू जैकेट और चेहरे पर काला मास्क, जेल से बाहर निकलते हुए अयान खान।